ये ज़माना है ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया का। ऐसे में आपके पास जो भी पिक्चर आ रही है, जो भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो भी वीडियो आ रहा है, हो सकता है वो झूठ हो। इस इंटरनेट के ज़माने में हो सकता है कि आपको मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन वेबकूफ़ बनाया जा रहा है। और इस वेबकूफ होने से कैसे बचें, इसके लिए ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा हमारे साथ हैं, जो हमको बताएंगे कि फेक न्यूज़ से आप कैसे बच सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो फेक न्यूज़ का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, जहां अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने देखा कि झारखंड में लिंचिंग्स हो गई, एक व्हाट्सएप रूमर के चलते जहां बोला गया कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाएगा और सात लोग को लिंचिंग कर दिया गया, 20 लोग के ऊपर अभी अलग अलग किस्म के क्रिमिनल चार्जेस है, मर्डर चार्ज या जो भी चार्ज है। तो यानी एक व्हाट्सएप रूमर के चलते 30 लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई और ये कोई हार्ड एंड क्रिमिनल्स नहीं थे। तो इस अभी रूमर्स इतने पोटेंट हो गए हैं कि ये रूप ले सकते हैं। और ये पहले भी हुआ है, जब 2014 में पूना में रायट्स हो गए थे, जब एक हिंदू गॉड का पिक्चर मॉर्फ करके फैलाया गया था, एक व्यक्ति की जान गई थी। अभी हाल ही में बशीरहाट में वेस्ट बंगाल में एक मुस्लिम रिलीजियस प्लेस को मॉर्फ करके एक 12वीं के कक्षा के लड़के ने सोशल मीडिया पे डाल दिया पिक्चर, उसके चलते भी रायट्स हुए। इस बार माइनॉरिटी कम्युनिटी रोड पे और रायट्स हुए और तभी भी एक जान चली गई। तो ये इशू बहुत बढ़ गया है। इसके लिए हम लोग को लगा कि एक ऐसा आउटलेट होना चाहिए जो लोगों को बता सके कि सच क्या है, झूठ क्या है। नहीं, कोई टेक्नोलॉजी तो स्पेसिफिक नहीं है, जो इंटरनेट में टूल्स है ऑलरेडी, जैसे गूगल ने कुछ टूल्स डेवलप किए, जैसे कि रिवर्स इमेज सर्च, गूगल सर्च ही हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। बट वही है कि हम लोग को सर्टन फिल्टर्स पता है कि ये फिल्टर्स डालने से इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो फैक्ट चेकिंग में एटलीस्ट इंडिया में जो सिनेरियो है कि जो फेक न्यूज़ है वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अभी हाल ही में गार्जियन में एक आर्टिकल आया था जो दिखा रहा था कि ओबामा की जो एक स्पीच है उसमें वीडियो और ऑडियो कहीं कहीं अलग से लिया गया था, उसको साथ में स्टिच किया गया था मगर, और एक स्पीच बनाया गया था जो टोटली फेक है। अभी इंडिया में सोफिस्टिकेशन नहीं होता फेक न्यूज़ में। इंडिया में लगभग जो होता है कि कोई भी इमेज ले लेते, कोई भी वीडियो ले लेते और उसको एक अलग नैरेटिव डाल के पास ऑन कर देते। तो फेक न्यूज़ डिटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, कुछ टाइम पे काफ़ी मुश्किल रहता है, बट 80% ऑफ द टाइम्स फेक न्यूज़ डिटेक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अर्बन एरियाज़ में या शहरी इलाकों में जो लोग हैं वो तो इसको आसानी से, उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, उनके पास अच्छा विवेक है सोचने समझने का कि ये फेक न्यूज़ है या ये नहीं है। लेकिन जो दूरदराज के इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अब बहुत तेज़ी से जो इंटरनेट के जो इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से वो 2G 3G 4G पर पहुँच रहे हैं, उन लोगों को कैसे पता लगे कि भाई ये खबर फेक है, क्योंकि असली टारगेट ऑडियंस शायद वही हैं। कोई रेडीमेड टूल्स नहीं है, भले ही टेक्नोलॉजी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट उन लोगों को बताया नहीं गया कि इस तरह से डिटेक्ट कर सकते, इस तरह से नहीं डिटेक्ट कर सकते, उसमें थोड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है। जब हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तो दे देते हैं, मगर ऐसा कोई टूल नहीं देते जो कोई इंसान एक प्रश्न पूछ सके कि ये इमेज सही है या नहीं, ये वीडियो सही है या नहीं, वैसा कोई टूल नहीं है, जबकि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, कम से कम ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बार एक चीज़ पता चल जाए कि ये चीज़ सच नहीं है, और स्पेशली ऐसी चीज़ इंडिया में तो स्पेशली हिंदू मुस्लिम या कास्ट लाइंस पे जो रूमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उससे रायट्स हो सकते हैं। तो एक बार ये पता चल जाए कि ये वीडियो या इमेज सही नहीं है, तो फेसबुक के पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उस वीडियो को आगे उसका बढ़ावा ना हो। बेसिकली दो टाइप के फेक न्यूज़ होते हैं, एक है जो व्हाट्सएप पे चलते हैं, वहाँ डायरेक्ट कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे न्यूज़ डाले तो आपको कोई पैसा नहीं देने वाला। तो वो लोग हो सकते हैं कि किसी पार्टी के IT सेल के सदस्य हो और उन लोगों को पैसा मिलता हो, मगर उसका कोई
कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस बाहर नहीं आया कि ऐसा है। एक दो एविडेंस आया कि हम लोगों ने जैसे आसनसोल के एक बीजेपी के आईटी सेल के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको उनको फेक न्यूज़ फैलाते हुए हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था, बाद में उन लोगों का उनका अरेस्ट भी हुआ था। तो वैसे एक दो उदाहरण है मगर सॉलिड ज़्यादा उदाहरण नहीं है। मगर जो फेक न्यूज़ वेबसाइट्स है जैसे कि हिंदुत्व.info, दैनिक भारत .org, postcard.news, ये सब जो फैलाते हैं, इन लोग का बिजनेस मॉडल है कि आर्टिकल के बिल्कुल एंड में काफ़ी एड्स आते हैं, ऐसे 8 स्क्वायर आएंगे जहाँ नेकेड सेमी नेकेड पिक्चर्स रहते हैं और वहाँ क्लिक करेंगे तो उन लोग को पैसा मिलता है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया बहुत प्रभावित तो करेगा लोगों, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज़्यादा इसका रीच हो चुका है। और दूसरा ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का थोड़ा डी लेजिटिमाइजेशन भी हुआ है, लोग मानते नहीं हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबर आती है, वो भी डी लेजिटिमाइजेशन एक सस्टेन प्रोपेगेंडा भी है। किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे नीचे देखिएगा कि बिकाउ मीडिया आपको नहीं बताएगी है, तो वो एक सस्टेन प्रोपेगेंडा भी रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को डीलेजिटिमाइज कर दिया जाए। और मेन स्ट्रीम मीडिया की खुद की भी खामियां हैं जो जिसके लिए डीलेजिटिमाइजेशन हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। मगर इसलिए जो सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जैसे आपने कहा ग्रामीण जगहों में तो सोशल मीडिया ये लोग जो अखबार पढ़ते थे अखबार को बिल्कुल सच्चा मानते हैं, वही लोग व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप को भी अखबार की तरह पढ़ते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि जो व्हाट्सएप पे खबर आ सकती है वो झूठी भी हो सकती है। कोई टूल्स नहीं है जिससे रोका जा सकता है। और व्हाट्सएप में और एक ये प्रॉब्लम है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहता है, जिसका मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जो भेजता है और दूसरा इंसान तीसरे इंसान को जो भेजता है, अगर सेम चीज़ भेज रहा हो एक 1 to 2, 2 to 3, मगर वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो अलग दिखेगी। ऊपर से इंटरनेट में अगर आप स्निफर बोल के एक टेक्नोलॉजी होती है, स्निफिंग करेंगे भले ही सेम इन्फॉर्मेशन जा रही है मगर अलग दिखेगी, क्योंकि हर दो इंसान के पास एक यूनिक इंक्रिप्शन कीज़ होती है बेसिकली। तो उसके चलते क्या होता है कि पुलिस और जो लॉर्ड जो पुलिस एजेंट साइबर सेल से उन लोग की बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये जानना बहुत मुश्किल है कि पहले किसने की अफवाह फैलाई थी, क्योंकि वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। और एक प्रॉब्लम है व्हाट्सएप में कि अगर ट्विटर और फेसबुक पे हो तो आप कमेंट में फेसबुक में जाके लिख सकते कि ये गलत है, ट्विटर में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि ये गलत है, तो एक अल्टरनेटिव नरेटिव आप सेट कर सकते हैं। मगर व्हाट्सएप में तो क्या है कि वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, एक आदमी दूसरे आदमी को फॉरवर्ड करता है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी को फॉरवर्ड करता है। तो ठीक है प्रतीक सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।